लेकिन अभी 60-70% हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जज हैं। अब एक्ट बन गया फिर से पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने बेंच ने SC ST एक्ट को खत्म कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया फिर से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जज ने फिर से उसको एक्सेप्ट कर लिया पिटीशन। तो ये कितने हैं पार्लियामेंट मेंबर साहब, 542 लोग जो हैं यहाँ कानून बनाते जाएंगे संसद में, और एक वहां का एंटीना चोटीधारी ब्राह्मण उसको वो खत्म करते जाए। ये चल तो अगर हमारे हाथ में तराजू आ जाए दोस्तों, दलितों के हाथ में तराजू आ जाए दोस्तों, तो हम बेईमानी से कभी तौला नहीं करते, हम अंबेडकर की औलाद है, हमारा अंदाज ही निराला है, हम किसी के बाप से डर के कभी बोला नहीं करते, हम घबराते नहीं, जटिया जी घुमा फिराते साफ साफ। गांधी जी के बारे में जटिया जी कह रहे थे अभी, मैं साबुन को बोलना चाहिए तो उन्होंने बोला, कह रहे थे गांधी जी ने 26 सत्याग्रह किए अपने जीवन में, किसी ने किसी चीज के उत्थान और अधिकार के लिए, लेकिन एक सत्याग्रह किया जो दलितों को अधिकार मिला था, सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचन अधिकार मिला था दलितों को, अपना नेता, अपना विधायक, अपना सांसद अपने अपने सीट से चुनने का, वहां सवर्णों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जो सीट रिजर्व थी उसमें केवल SC की सीट पे SC वोट करते, ST की सीट पे ST वोट करते, वहां सवर्णों के वोट का हस्तक्षेप नहीं होता था, वो अधिकार बाबा साहब को मिला था, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कर, जो दलितों को अधिकार मिला उसके खिलाफ सत्याग्रह कर दिया, और जो अब आरक्षित सीटें जो बन गई है इस देश के अंदर बन गई है 70 साल से, SC ST की रिजर्व सीटें लगभग 200 तो होंगी, SC ST की लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित हजारों सीटें हैं, लेकिन उन सीटों पर सवर्ण 40% SC ST, 60% सवर्ण, 40 SC ST के 10 कैंडिडेट खड़े हो गए, वोट बढ़ गए, और जो चमचा रहा पार्टियों का यसमैन रहा, रबर स्टैंप रहा, उसको सवर्णों का सपोर्ट मिला, वो जीतते आया, और 70 साल से लोकसभा विधानसभा में वो सवर्णों के प्रतिनिधि बैठे, सीट है SC ST की और सवर्णों के प्रतिनिधि बैठे हैं, और गूंगे बहरे बन के बैठे हैं, सवर्णों के डर से SC ST के बारे में बोलते नहीं। ये काम गांधी जी ने किया, अब गांधी जी को गोडसे जी ने तो मार दिया, और गोडसे जी नहीं मारते तो कोई ना कोई दलित मार ही देता, और दलित नहीं मारता तो इंद्रेश गजबी तो जरूर ही मार देता। इतना बड़ा नुकसान 70 साल से हम देख रहे हैं, वो जो सेपरेट इलेक्टोरल को खत्म करके जो व्यवस्था बनी है, ये इसमें कितना नुकसान हो रहा है हमारा, हमारे नुमाइंदे MLA MP बात ही नहीं करते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी कुछ कमीनों ने जंतर मंतर पर संविधान जलाया, खूब चला, जलाने वाले के फोटो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर सब पे देखे गए, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, वो कह रहे थे MP सिंह साहब वो बुजुर्ग पे, बहुत बड़ा खतरा है संविधान को खत्म करने का, बदलने का,
कभी कभी ब्राह्मण सभा होती है भारत में, उसका समाचार आता छपता है अखबारों में कि नया संविधान मनुस्मृति जैसा बनने शुरू हो गया ब्राह्मण सभा के द्वारा। ये भारत के बाबा साहब के संविधान को खत्म करने वाले, आरक्षण खत्म करने, आरक्षण आरक्षण हमको ना गांधी ने दिया, ना नेहरू ने दिया, ना इंदिरा ने दिया, ना राजीव ने दिया, ना अटल ने दिया, ना मोदी ने दिया। आरक्षण हमको किसी के बाप ने नहीं दिया, आरक्षण हमको हमारे बाप ने दिया, उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और जिस दिन आरक्षण खत्म होगा उस दिन इस देश में खून खराबा होगा, वर्ग संघर्ष होगा, एक अलग पाकिस्तान भी बन सकता है इस देश के अंदर, एक दलित स्थान बन सकता है। इसलिए आरक्षण का विरोध करने वाले, संविधान को जलाने वालों को मैं चुनौती देता हूं कि तुम, चेतावनी देता हूं कि तुम नए तीसरे देश के विभाजन की, पाकिस्तान तो बढ़ गया, दलित स्थान बनाने की तरफ दलितों को उकसाओ मत। ये मैं आज इस मंच से चेतावनी देना चाहता हूं। और ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जब दलित शोषित जागेगा और अपनी डिमांड पर आएगा, जब दलित शोषित जागेगा और अपनी डिमांड पर आएगा, तब आरक्षण नहीं, एट्रोसिटी एक्ट नहीं, योजनाएं नहीं, देश पर कमांड चाहेगा, पूरे देश पर कमांड चाहेगा। जब दलित शोषित जागेगा तो भाइयों बहनों, मैं तो आभार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन आज मैं उन हमारे सभी देशवासियों, दलित भाइयों जिन्होंने 2 तारीख को भारत बंद किया, इस मंच से उनको बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सरकार की चूले हिला दी उन्होंने, ऐसा भारत बंद और साइलेंट, किसी मीडिया ने जो गिरवी रखा हुआ, सरकार के पास मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, उस भारत बंद की समाचार किसी अखबार ने नहीं दिया, किसी चैनल वालों ने नहीं दिया, अपने आप स्वफूर्ति स्फूर्ति से भारत बंद हो गया इतना। और ऐसा नहीं जल जले वाला भारत बंद हुआ, तूफानी भारत बंद हुआ, खलबली मचाने वाला भारत बंद हुआ, लेकिन उसके बाद जो हमारे निर्दोष बस्तियों में घुस गई पुलिस, और सरकार के जो लोगों ने काम किया हमारे लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद करने का, हमारे मध्य प्रदेश में 12 लोग मारे, उसमें 8 लोग तो केवल ग्वालियर चंबल संभाग से मारे, अब देश में जितने राज्य हैं भारत में 28 है? 29 अभी अलग हो गया है, किसी भी राज्य में भारत में SC का मुख्यमंत्री नहीं, दलित मुख्यमंत्री नहीं। सेम शर्म आना चाहिए पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को, किसी भी राज्य में SC ST का मुख्यमंत्री नहीं। हमारी आबादी 45 करोड़ है ST SC की, भारत में 125 करोड़, हमारा इस देश में एक मुख्यमंत्री भी नहीं देख रहे हैं और वोट दे रहे हैं इन पार्टियों को, उनको भी शर्म नहीं आती, हमको भी शर्म नहीं आती, एक मुख्यमंत्री नहीं है हमारा। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में 40% हमारी आबादी है, मध्य प्रदेश में SC ST का मुख्यमंत्री बनाओ, बड़ा भारी एक सम्मेलन किया मैंने, संघ प्रिय गौतम जी को बुलाया, उस बहुत ट्राइबल कास्ट के लोग आए, मेरी बड़ी प्रेस वार्ता हुई, TV समाचार और अखबार छपे, मुझे कहा कि पार्टी से निकाल देंगे, मैंने कहा कोई मुझे वो नहीं, मैं 4 बार मिनिस्टर रहा, मुझे उसका जरा सा भी घमंड नहीं है,
लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की जन्म स्थली पे स्मारक बनाया, परिनिर्वाण भूमि पे स्मारक बनाया, ये मेरे लिए घमंड की बात है, ये मेरे लिए उपलब्धि। मैं चार बार ऐसे मंत्री पद को लात मारता, एक भी मुख्यमंत्री नहीं। मैंने कहा मध्य प्रदेश में बना दो, तो बोले राष्ट्रपति तो बना दिया आपका, राष्ट्रपति बना दिए आपका। तो मैंने कहा भाई भारत का राष्ट्रपति सब जानते हैं रबर स्टैंप होता है, मंदिर में घुसने दिया, मंदिर में घुसने दिया, सब जानते हैं भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है, दूसरे देश का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति में अंतर है। बोले राष्ट्रपति बना दिया, तो मैंने पत्रकार वार्ता में छापा नहीं उन्होंने। मैंने कहा भैया राष्ट्रपति बनाने से क्या होता है, देश का प्रधानमंत्री दलित बनाओ, कब बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कब बाबा साहब का सपना पूरा। कांशीराम जी चले गए, नहीं तो सपना भी पूरा हो सकता था। बहन जी की बस की बात नहीं है, अब अपने को ही कुछ ना कुछ करना होगा। अभी प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यवंशी कह रहे थे मेरे से, कांशीराम जी के बाद एक ही बड़ा चमार नेता है डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, इन्हीं को आगे बढ़ाते। अच्छा उन्होंने मुझे कान में कहा, मैंने सबको कह दिया उनके नंबर कट सकते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा तो पार्टी का बड़ा सिस्टम है, और ये सेपरेट इलेक्ट्रॉन के कारण। जो बाबा साहब का सेपरेट इलेक्टर लागू होता तो जटिया जी इतने नहीं डरते कभी, वो समाज के वोट से चुन के जाते। मित्रों हमने महू का आंदोलन चलाया, महू में स्मारक बनाया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाई, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाया, महू का नाम बदलकर अंबेडकर नगर कराया, भोपाल राजधानी में बाबा साहब के मध्य जन्म प्रदेश में बाबा साहब की मूर्ति नहीं थी, बहुत संघर्ष करके राजधानी में, हम तो विधानसभा का नाम भी चाहते थे, राजधानी में अच्छे चौराहे पे बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा लगवाई, हम तो विधानसभा मध्य प्रदेश की नाम चाहते थे, लेकिन कब अंदर से उन्होंने सत्या बहन जी कही इंदिरा गांधी के नाम से रख दिया। इंदिरा गांधी जी का संविधान में विधान में क्या योगदान है भाई। अब बात हो रही है कि बाबा साहब और गौतम बुद्ध से बड़ा यूनिटी ऑफ लिबर्टी है, उससे भी बड़ा सरदार पटेल का बना दिया गुजरात, बड़ी चर्चा। जब बहन जी ने लखनऊ में पार्क बनाया बाबा साहब के, जब लखनऊ में पार्क बनाया तो खूब मीडिया चिल्ला रहा था, खूब समण नेता चिल्ला रहे थे कि पार्कों से देश का उद्धार होगा, यहाँ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अब वो सब मर गए क्या, अब वो सब मर गए, उनको दिख नहीं रहा है कि अब इससे भी बड़ी, सरदार पटेल से भी बड़ी राम की मूर्ति अयोध्या में बनने वाली है। अंधे बहरे हो गए, हम जब करें तो वो पाप है और तुम जो करो वो पुण्य है, ये मानसिकता को बदल लीजिए। स्मारक बन गया, आज हमने एक मेमोरेंडम साइन किया, आप लोगों से भी साइन करवाया। अब हमारे 5-6 दलित मंत्री हैं, वो भी साइन करते हैं कि नहीं देखने पता चलेगा, क्योंकि मैं ये अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं मांग रहा हूं, बाबा साहब के लिए मांग रहा हूं कि जब गांधी जी की समाधि राजघाट को 2 कानून बना के विदेशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और राजनयिक को वहां ले जाने का कानून बनाया, राष्ट्रपिता मानकर सरकार ने कानून बना दिया, तो बाबा साहब को भी संविधान पिता मानकर ऐसा ही कानून बनना चाहिए। एक तो ये डिमांड, दूसरी ये गांधी की बपोती जागीर नहीं है दिल्ली कि महात्मा गांधी और नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और संजय गांधी सबकी समाधियों को 50-50 एकड़ जमीन दी जाए, बाबा साहब के परिनिर्वाण भूमि को 1 एकड़ से भी कम जमीन दी, हमको सभा सम्मेलन करने के लिए जगह नहीं है,
वो तो केजरीवाल जी मान गए नहीं तो दो बार तो वो हमारा आपको टेंट ही नहीं लगाने दिया यहाँ केजरीवाल जी, किसी एम हाउस के सामने नहीं लगा सकते। अब मैं जब जाता हूं तो लोग कहते हैं बाहर के राज्यों में दौरों में साहब आए तो कैसे आए, वहां तो सभाई नहीं हो सकती, जगह ही नहीं है। और जगिया जी सही कह रहे थे, उनके ना रुकने की व्यवस्था ना ठहरने की व्यवस्था ना साधन व्यवस्था। स्मारक तो बन गया, अगर इसके लिए एक्ट नहीं बना राजघाट जैसा तो ये आगे चल के खंडहर और कबूतर खाना बन जाए। अभी तो हद कर दी, सरकार के कब्जे में है ये, अब ये सरकार के कब्जे से मुक्ति का आंदोलन चलाना पड़ेगा। सरकार अपने उससे मुक्त करे इसको अपने आधिपत्य। रात में यहां मोमबत्ती के साथ प्रेयर करना था, प्रार्थना करनी थी, वो करने नहीं दिया अधिकारी ने, ज्वाइंट सेक्रेटरी मीना, कोई मीना है यहां ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसने रात में पूजा नहीं करने दी। भाई वहां के अंदर नहीं जा सकते आप पूजा करने, उसके मीना के बाप का है ये, हमारे बाप का है, मीना के बाप का नहीं है। मीना को बनाया किसने? मैंने थावरचंद गहलोत मंत्री को फोन लगाया तुरंत, 10 लोग उनके अधिकारी थे, कि ये मीना कह रहा है कि यहाँ पूजा नहीं होने देंगे और गेट पे ताला लगा देंगे। गहलोत ने क्या बोला, हमारे दलित मंत्री के अधिकारी सुनते हैं कि